नमस्कार दोस्तों, आरबे एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का करंट अफेयर प्रश्न नंबर 1, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य ट्रेड 2019 रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन स है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह ट्रेड परिसर 2019 की रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन स 15 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत के पहले एग्रामेंट पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ब, कर्नाटक राज्य में भारत के पहले एग्रामेंट पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, पुरुष एकल वर्ग में 83वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सौरभ वर्मा ने 83वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को जीता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट फ्लाइट इंजीनियर कौन है बनी? राइट आंसर ऑप्शन द, हिना जायसवाल भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। प्रश्न नंबर 6, अर्ली एड एशिया 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन द, जयपुर शहर में यह आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 7, किस देश के शोधकर्ताओं ने बिना GPS की सहायता से चिट्ठी की तरह चलने वाले रोबोट का निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, फ्रांस ने चिट्ठी की तरह चलने वाले रोबोट का निर्माण किया है। प्रश्न नंबर 8, स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किस नगर निगम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है, रायगढ़ ने एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। प्रश्न नंबर 9, बीते दिनों न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी दर निश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है, डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में यह समिति गठन किया गया। प्रश्न नंबर 10, बीते दिनों भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ब, फैजल इस्माइल को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 11, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक ने भारत के 220 बांधों के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, $137 मिलियन सहायता देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ITI के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, IIT खड़गपुर के छात्रों ने यह स्मार्टफोन ऐप डेवलप किया है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा हाल ही में किस स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ब, पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न नंबर 14, पुरातत्वविदों के ने हाल ही किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं? राइट आंसर ऑप्शन द, गुजरात में इसकी खोज की गई है। प्रश्न नंबर 15, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? राइट आंसर ऑप्शन द, नाचना ऊंट की नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है। प्रश्न नंबर 16, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ब, लुम्बिनी ग्राम में। प्रश्न नंबर 17, राख का टिल्ला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ब, संगम कल्लू से स्थित संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, ऐसा कौन सा देश है जिसके दो राष्ट्र ज्ञान है? राइट आंसर ऑप्शन स, न्यूजीलैंड के दो राष्ट्र ज्ञान है। प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 20, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन द, झारखंड राज्य से महान पुरुष बिरसा मुंडा संबंधित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।